अस्सलामु अलैकुम। आज का मेरा ऑर्डर था पिज़्ज़ा का, जिसके अंदर हमने कोई भी ईस्ट वगैरह का यूज़ नहीं किया है। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं कि हर कोई घर पर बना सकता है। डायरेक्ट इसको हम लोग फ्राई पैन में ही बना रहे हैं, बहुत मज़ेदार बनता है। इसके अंदर मैदा का यूज़ नहीं हो रहा, हम आटे से बना रहे हैं। बहुत 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 हेल्दी रेसिपी है, बच्चों के लिए ख़ास तौर पर, जो कि लंच बॉक्स आप लोगों ने देने होते हैं बच्चों को, आप लोग डेली बेसिस पे भी दे सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर ना तो चिकन का ऐड होता है, जस्ट वेजिटेबल होते हैं, लेकिन बहुत मज़े का बनता है। ना तो इसके अंदर चीज़ का यूज़ होता है। तो मैं आपके साथ आज इतनी यूनिक और आसान सी और न्यू रेसिपी शेयर करूंगी, आप सबको बहुत पसंद आएगी। सो यहाँ पर जो है ना, ये ऑर्डर जा रहे थे, तीनों पैक कर लिए थे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस अमेजिंग सी रेसिपी को। ना तो चीज़ है, ना ईस्ट है, ना चिकन है, और फ्राई पैन में बना रहे हैं हम पिज़्ज़ा। तो मैं हूँ रुकैया, आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो यहाँ पर हमने ले लेना है एक अंडा, ठीक है, वन लार्ज एग। हम लोग रूम टेम्परेचर का ले लो, चाहे थोड़ा सा ठंडा ले लो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो अंडे को हमने बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेना है। अच्छा, जैसे कि अंडा, दूध, ऑयल, जो भी मैं चीज़ें ऐड कर रही हूँ ना डो बनाने के लिए, तो आप डायरेक्टली जो है ना डो ग्राइंडर जग में जो होता है ना, ब्लेंडर में भी ईजिली बना सकते हो, ठीक है। मैं उसमें भी बना लेती हूँ और इस तरह से भी बना लेती हूँ। सो मैंने अब ऐड कर दिया है मिल्क, जो कि जाएगा 160 ml मिल्क, ठीक है। ml वाले जो ग्राम्स वाले कप्स होते हैं ना, 250 ग्राम्स वाले कप होते हैं, वो आप लाजमी से बाय करें, तकरीबन 230 या 250 के दरमियान आ जाते हैं, तो लाजमी से बाय करें ताकि आसानी हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है 1/2 कप ऑयल। तो ये मैंने लिया है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल है, ठीक है। आप चाहो तो आप घर वाला ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, इससे सॉफ्टनेस बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी ब्रेड बनती है। उसके साथ 1/2 टेबल स्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च ऐड की है, अच्छे से इसे मिक्स किया है। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ऑरिगेनो और थाइम, ठीक है। ऑरिगेनो मैंने पाउडर फॉर्म में ऐड कर दिए, आप ऑरिगेनो जिस तरीके से मर्जी चाहे, थाइम ऑरिगेनो दोनों 1/2 टीस्पून ऐड कर दें। इससे क्या होगा, डो में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, जैसे मैंने आपको बाकी बहुत सारी रेसिपीज़ में बताया हुआ है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, ठीक है, ये हम ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहीं पर हम ऐड कर देंगे इसके अंदर बाकी हमारा सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट आपने ऐड कर देना है 1/2 टीस्पून, लाजमी से सॉल्ट ऐड होगा 1/2 टीस्पून। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे आटा, तो आप चक्की का आटा भी यूज़ कर सकते हो, आप नॉर्मल जो पैकेट्स वाले आटे मिलते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो, आप मैदा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर पैकेट्स वाला आटा यूज़ किया है। 150 ग्राम, मतलब 1/2 कप, ठीक हो गया। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ये तकरीबन जो है ना 11 इंचेस के पैन में आप लोग ईजिली बना सकते हो लार्ज पिज़्ज़ा, ठीक है, वन लार्ज पिज़्ज़ा इजीली बन जाएगा। अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ भी आपने पानी, एक्स्ट्रा ऑयल, एक्स्ट्रा मिल्क कुछ भी ऐड नहीं करना, बस अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है, तो ये इस तरह से फूल सा जाएगा, ठीक हो गया। अभी क्या करना है, इसको हम लोगों ने डालना है फ्राई पैन में, तो फ्राई पैन को हमने करना है ऑयल से बहुत अच्छे से ग्रीस। अच्छा, अगर तो आप लोग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपने क्या करना है, ऑयल से ग्रीस किया, बटर पेपर लगाया, बटर पेपर के ऊपर फिर ऑयल लगाया, और उसके बाद आपने इस जो हम लोगों ने बनाया है लिक्विड डो, वो आपने ऊपर से पोर कर देनी है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हो। सेकंड, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा जर्दे का कलर ऐड करती हूँ, ताकि डो हमारी ऑटोमेटिकली हल्की सी गोल्डन, येलो गोल्डन हो जाए, ताकि वो दिखने में भी बहुत अच्छी लगे, क्योंकि हम इसे बेक तो नहीं कर रहे ना। सो मैंने ये ऐड कर लेती हूँ इसके अंदर। उसके बाद मैं अब इसके अंदर डायरेक्टली डाल रही हूँ, क्योंकि मैं इस फ्राई पैन के नीचे, मेरे पास तवा है जिसका हैंडल वगैरह नहीं है, वो तवा मैं नीचे रख देती हूँ मीडियम टू हाई फ्लेम पर, पहले प्री हीट करके उसके ऊपर जो है ना मैं इसको फ्राई पैन को रख लूँगी, ठीक है। सो यहाँ पर हमने नीचे बेस पे कोई ना कोई तवा, इस तरह की चीज़ लाजमी रखनी है, ताकि नीचे से वो क्रिस्पी ना हो। अगर आप लोग क्रिस्पी खाना चाहोगे, मेरी एक कस्टमर है वो क्रिस्पी मांगती हैं, तो मैं फिर नीचे तवा नहीं रखती हूँ, मैं डायरेक्टली ही फ्राई पैन को रख लेती हूँ, ठीक हो गया। अभी इसके अंदर जो है ना होममेड, मैं इसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस लगा दूंगी। अब इस अच्छे तरीके से पहले आपने इसको इक्वल कर लेना है, लेवल कर लेना है, इसको हल्का हल्का टैप कर लो आप इस तरह से, जो है ना बिल्कुल आपने इसको करना है इक्वल हो जाए, कहीं से मोटा कहीं से पतला इस तरीके का ना हो। तो मैंने होममेड पिज़्ज़ा जो सॉस था ना वो लेने के साथ, उसके साथ मैंने चिली गार्लिक सॉस भी ले लिया था थोड़ा सा, ताकि फ्लेवर अच्छा आए, क्योंकि हमने यहाँ पर चिकन वगैरह का यूज़ नहीं करना, जस्ट हमने वेजिटेबल्स ऑलिव्स वगैरह ही लिए हैं, ठीक है। आपने चम्मच से ना बहुत हल्के हल्के हाथ से इसको करना है, ये परेशान नहीं करेगा, इजीली हो जाएगा स्प्रेड, ठीक हो गया।
उसके बाद ये मैंने होममेड चीज़ बनाना बताई थी विदाउट चीज़ जो बनाना बताई थी, इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें। मैं काफ़ी सारी बना के 1-1 kg, हाफ हाफ kg रखती रहती हूँ और इस तरह से मैं बिना चीज़ के भी बना के अच्छा मार्जिन ले लेती हूँ, ठीक है। सो कस्टमर को भी पता होता है, लेकिन इसका टेस्ट इतना को कोई मज़े का ना कि यकीन कोई नहीं यकीन करेगा कि ये विदाउट हमने चीज़ इतनी सारी डाले बगैर इतना अच्छा टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी स्प्रेड कर ली, लाइक 1/4 कप जितनी है। उसके बाद मैं स्पून से दोनों को हल्का हल्का मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, ये मैंने इसलिए लगाई है, अगर मैं ये ना लगाती तो फिर क्या होता, जो ऊपर वाली टॉपिंग थी ना वो अलग हो जाती है और नीचे बेस जो है ना वो अलग रहती है। तो आपने थोड़ी सी चीज़ लाजमी नीचे लगानी होती है पिज़्ज़ा सॉस के ऊपर। उसके बाद शिमला मिर्च, अनियन, आप कुछ भी टमाटर वगैरह लगाना चाहो। अच्छा, टमाटर जो है ना वो आपने ध्यान करना है, टमाटर पानी छोड़ते हैं तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। टमाटर लगाना चाहे लगा लें, लेकिन उनको फुल वेजिटेबल चाहिए था कस्टमर को, तो मैंने टमाटर यहाँ पे लगाए थे, ठीक है। सो यहाँ पे उसके ऊपर अगेन जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी उस पर मैंने बहुत ज़्यादा दोबारा से चीज़ लगा दी थी, दोबारा चीज़ सॉस जो बनाई थी वो मैंने लगा दी, ठीक है। अब टमाटर लगाए, इसके ऊपर दोबारा से मैंने लास्ट की डेकोरेशन की थी। अच्छा, जब आप इसको बना लेंगे ना तो ये जैसे हमारी पिज़्ज़ा की डो बहुत राइज और फ्लफ़ी और इस तरह से होती है, ये बड़े मज़े की होगी और ये जो होगी ना थोड़ी सी डिफरेंट होगी। मैं आपको पहले बता रही हूँ, लेकिन यकीन करें हेल्दी रेसिपीज़ खाने के लिए भी ना एक जिगरा चाहिए होता है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा ये फास्ट फूड और इन तरफ चले गए हैं चीज़ों की तरफ कि हमें हेल्दी चीज़ें तो हज़म होती ही नहीं ना है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, इसको ट्राई करें, आप बिलीव करें, जब ये हल्का सा ठंडा हो जाता है ना इतना को कोई मज़े का लगता है ना। ये जो मेरी कस्टमर है ये 1 ईयर से मेरे साथ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये यही वाला पिज़्ज़ा बनवाती हैं, दूसरा नहीं लेती हैं, क्योंकि कहती हैं मैंने बच्चों को देना होता है तो वो इसी पिज़्ज़ा पे ऊपर आई हुई हैं और वो बहुत ज़्यादा ही बनवाती रहती हैं ये, ठीक है। अब हमने इस तरह से रखा, नीचे तवा है, फ्राई पैन है, ऊपर से किसी चीज़ से मैंने कवर किया और 20-25 मिनट के लिए छोड़ दिया था इसको। एंड माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग लुक देख सकते हैं। अच्छा, ये हल्का हल्का सा मैं इसको साइड से जो है ना उठाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कितना ज़बरदस्त इस पर कलर आया है और अच्छा सा बेक हो चुका है, ठीक है। उसके बाद मैंने साइड सारी रिमूव की है इसकी कि चलो साइड्स, और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना सॉफ्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। फ्लेम दम वाली आंच रखनी है आपने, दम वाली आंच से थोड़ी सी ज़्यादा बेशक कर लीजिएगा, मीडियम आंच आपने नहीं करनी है। 25 मिनट भी लग जाए खैर है, 30 मिनट भी लग जाए खैर है, ठीक है। अब मैंने बॉक्सेस के अंदर दो दो पिज़्ज़ा के स्लाइस डाले, ठीक है। सो यहाँ पर चाची ताई और इन सब की फैमिली में दो दो पीस जाने थे तो यहाँ पर मैंने डाले, साथ में मैंने जो ऊपर है ना वो अपनी पिज़्ज़ा सॉस लगा दी इसके ऊपर इस तरह से पाइपिंग बैग में लगा के, ताकि बहुत ही अच्छा यमी टेस्ट आ सके। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, डिफरेंट टेस्ट होगा आप लोगों को, डिफरेंट लगेगा लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। सो अपने हेल्दी चीज़ों की तरफ अगर आना चाहेंगे तो ये रेसिपी आप ज़रूर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ज़रूर से बनाएं और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।